हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं यूपी टेट 2020 ओएमआर सीट गलती के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि यूपी टेट की जो मार्कशीट है, एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी को, उसमें बहुत ज़्यादा गलती हो गई हैं। तो उन गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी गलती हैं जो हो गई हैं आपसे, और उन गलतियों का निस्तारण किस तरीके से किया जा सकता है, और हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि रिजल्ट क्या, रिजल्ट का क्या होगा, मतलब रिजल्ट हमारा आएगा कि नहीं आएगा, क्या हो सकता है। तो इन पूरे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, आप लोगों के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर वन बाई वन करके डिस्कस कर लिया जाएगा। तो मैं बता दूं, उससे पहले वो मेरे सीट पर ले जाऊं, उससे पहले मैं बता दूं कौन कौन से क्वेश्चनों का यहाँ पर मैं जवाब देने वाला हूँ अच्छे से। तो इन सभी क्वेश्चनों पर लगातार बने रहिए कि नंबर, पहला क्वेश्चन तो रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे गलत हो गया है, जिसका बबल्स रजिस्ट्रेशन वाला गलत हो गया है उसके बारे में बात करेंगे, जिनका रोल नंबर गलत भर गया है तो उनके बारे में बात करेंगे। तो अब क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि इनवैलिड दिखाएगा, और प्रीवियस लेवल से भी इसके कंपेयर करेंगे। दूसरा बात, जो कैटेगरी का ऑप्शन था वो गलत भर गया है या फिर छूट गया है ऑप्शन। दूसरा वाला लैंग्वेज वाला था, तो लैंग्वेज वाले पे बात करेंगे, नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सेंटर नेम, ETC के बारे में यहाँ बात करेंगे। दूसरा जो भी अभी सीरीज कोड है, सीरीज कोड अगर छूट गया तो क्या होगा, कि जो कॉपी है वो चेक होगी कि नहीं होगी, और हल किए गए प्रश्न में गलती हो गई है, या जो क्वेश्चन है उसके डबल बबल्स भर गए हैं, या फिर जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कमेंट बॉक्स में, तो सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन का कैरी बचेगा नहीं, आप सारा क्लियर हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, किस कंडीशन में रिजल्ट आउट होगा, किस कंडीशन में आज रिजल्ट नहीं होगा। तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ में। चलते हैं आपको OMR सीट पर। सो गाइस, हम आपको OMR सीट के ऊपर ले आए हैं। तो उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको पता चल जाए। ऑफिशियल आंसर की और यूपी टेट सी टेट अच्छी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल है। और गाइस, मैं बात करूँगा यहाँ पर वन बाई क्वेश्चन के लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी व्यक्तियों का जो टेंशन है स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स का जो टेंशन कम हो पाए, और वो लोग एक रिलैक्स हो पाए किस कंडीशन में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो ये मेरे पास में सेकंड पेपर की आंसर सीट है, और सेकंड पेपर की जो OMR सीट है और फर्स्ट पेपर की OMR सीट में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ जो अंतर है वो सिर्फ इस पोर्शन का है कि जो ये फिफ्थ वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाला, तो इस पार्ट में बस मैथ साइंस वाला और सोशल साइंस वाला, ये दो ऑप्शन बढ़ जाते हैं, और अन्यथा की स्थिति में प्राइमरी की, जूनियर की OMR जो सीट है वो सेम रहेगी। अब बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पर ये आता है कि रजिस्ट्रेशन रोल नंबर में हमारा जो गलत हो गया है बॉक्स में। अब देखिए, जिस विद्यार्थी का यहाँ पर जो गलत हुआ है, सो गाइस, अब किसी, ये पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर इन बॉक्सों में जो रोल नंबर भरा जाता है उसमें किसी बच्चे की मिस्टेक हो गई है, मान लीजिए कि यहाँ पर उसको 3 लिखना था और 3 लिखना था और इसकी जगह पर उसने 4 लिख दिया है, तो क्या होगा? तो 3 की जगह पर 4 हो गया, तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर 3 की जगह 4 की जगह 3 लिख दिया है, तो वो उस कंडीशन में आपकी जो OMR सीट है चेक होगी, क्योंकि इन बॉक्स का जितना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा है कि बबल्स का रोल होता है। तो इस कंडीशन, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि यहाँ पर बॉक्स में कोई गलती हो गई है और आपने उसको कटिंग करके या ओवरराइडिंग करके सही कर दिया है, और तो आपका OMR सीट चेक होगी, इट्स अ राइट। तो आपकी, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, जबकि आपने बबल्स उसके सही भरे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमने जो बॉक्स में जो आंसर थे वो सही भरे, बट जो हमारा बबल्स था यहाँ पर 3 था, 3 की जगह हमारा जो बबल्स है वो 4 हो गया है, क्या हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, बात करते हैं इस पर, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर पिछली प्रीवियस ईयर का देखा जाए 2018 का, तो उस कंडीशन में क्या था कि रिजल्ट आउट नहीं किया गया था, क्योंकि बबल्स में कोई भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में जो गलती हुई थी पिछले साल, आपका कोई भी रिजल्ट को मान्य नहीं किया था, उन्होंने मना कर दिया था कि OMR करेक्शन में कोई हम संशोधन नहीं करेंगे, और उस कंडीशन में आप बबल्स गलत था तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा पिछली साल की अकॉर्डिंग। इस साल कुछ नियम में ढिलाई दे सकती हैं, तो क्या हो सकता है वो आने वाले टाइम में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी PNP से, तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उस कंडीशन में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक ही जो
जो रो है कॉलम है उसमें हमने दो बबल्स भर दिए हैं, और इस क्या हमारा रिजल्ट आ पाएगा नहीं आएगा। अगर आपने दो गोले भर दिए हैं, फिलअप कर दिए हैं, और आपने एक जो गोला गलत भरा था उस गोले को आपने ब्लेड वगैरह से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा रफ़ कर दिया है, तो हमारा रिजल्ट चेक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट जो डिपेंड करेगा अब आपका वो ऑप्टिकल लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। OMR सीट जो चेक होती है, ऑप्टिकल लेंस जो रीड करता है उसको, अगर उसने अगर आपका जो रीड कर लिया जो डार्क ब्लैक वाला और उसको नेगलेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में आपका रिजल्ट आने के चांस रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये तो रहा रजिस्ट्रेशन का नंबर। अब बात करते हैं रोल नंबर के बारे में। तो सेम रोल नंबर की कंडीशन भी आपको यहाँ पर यही रहेगी कि यदि आपका जो बॉक्स में कोई मिस्टेक हो गई है भरने में, जैसे आपका यहाँ पर चार भरना था, चार की जगह आपने यहाँ पाँच भर दिया और करेक्शन करके फिर आपने फोर कर दिया, उस कंडीशन में अगर आपने बबल्स सही गोला सही भरा है बबल्स, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट जो है वो आउट होगा। और वही कंडीशन यहाँ पर रहती है, दो बबल्स हैं, अगर आपने एक ही दो बबल्स भर दिए हैं तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कोई उल्टा भर दिया है कि दो की जगह तीन फिलअप हो गया है, तो वो तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हाँ, फिर आपने अगर कटिंग करके दो की जगह पे यहाँ पे जो कट का रफ़ करके थोड़ा ब्लेड वगैरह से, और यहाँ पर थ्री वाला जो अगर फिल सही कर दिया, अगर ऑप्टिकल लेंस ने रीड कर लिया आपका, तो आपका रिजल्ट आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर तो बिल्कुल सही भरा है लेकिन रोल नंबर में मिस्टेक हो गई है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अगर मैं पिछली प्रीवियस ईयर की बात करूँ यूपी टेट की, तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था और वहाँ पर उन्होंने सभी के रिजल्ट रोक दिए गए थे। और क्योंकि अब इस साल का नियम पता नहीं है क्या होने वाला है, अगर इस साल को संशोधन होता है, अगर एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर किसी को एक चीज़ को लेके अगर बात बनती है, तो आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अभी PNP ने ऐसा कुछ सुझाव दिया नहीं है, तो अब डिपेंड करेगा PNP पे कि अगर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई एक सही है तो आपका रिजल्ट आ जाए, अगर दोनों को मैच करेंगे वो तब तो फिर नहीं आ पाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुकलेट सीरीज का, तो बुकलेट सीरीज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या होगा बुकलेट सीरीज में। अगर किसी ने बुकलेट सीरीज जो है वो गलत भर दी है, मान लीजिए कि बी सीरीज थी और उसने सी सीरीज भर दी है, तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो आएगा, बट जो कॉपी चेक होगी, सो गाइस यहाँ पे मैं स्पष्ट बात कर दूँ, जो कॉपी चेक होगी सी वाला भरा है, तो अगर गलती से बी वाली थी और सी वाली भर गई, तो कॉपी चेक होगी, लेकिन जो कॉपी उत्तर होंगे वो आपके बी सीरीज के अकॉर्डिंग चेक होंगे, जिसकी वजह से आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं और आपका जो परिणाम का रिजल्ट है, बेशक आपके 100 से प्लस बैठ रहे नंबर, फिर भी आपके हो सकता है कि पासिंग मार्क्स आना भी मुश्किल हो जाए। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहेगी। तो कॉपी चेक होगी, रिजल्ट आएगा, बट नंबर मार्क्स कितने आएंगे ये नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों का कि सर हमने हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी हमने इंग्लिश भरी थी लेकिन हमारा संस्कृत वाले पे टिक गोला फिल हो गया है, तो क्या होगा? तो आपका कॉपी चेक होगी, बट उस कंडीशन में क्या होगा, जो संस्कृत वाले जो आंसर हैं आपके, इंग्लिश वाले आंसर अब चेक नहीं होंगे, संस्कृत वाले आंसरों के अकॉर्डिंग चेक होंगे। अगर कितने क्वेश्चन मैच कर जाते हैं गलती से तो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 10 कम से कम 70% मार्क्स यहाँ पर कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे। लेकिन रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट तो यहाँ पर शो करेगा, आएगा रिजल्ट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिजल्ट आएगा लेकिन मार्क्स कम हो जाएंगे 100%। अब दूसरा क्या है, अगर PRD होता है, अगर ये जूनियर वाला है तो आपने ये वाला पोर्शन आएगा, जूनियर वाला नहीं है आपने एग्जाम दिया तो ये वाला नहीं आएगा। अब इसमें क्या है, जो आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में साइंस या मैथ भरा हुआ है, तो इसमें अगर आपने साइंस भरा है, साइंस के स्टूडेंट साइंस बनना था सोशल साइंस का, अगर आपने उल्टा भर दिया जैसे मैथ के थे, आपने सोशल स्टडी पर क्लिक हो गया आपका गोला भर गया, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? तो सिंपल बात है भाई कि आपका रिजल्ट आएगा, बट जो क्वेश्चन चेक होंगे वो मैथ वाले क्वेश्चन चेक होंगे, जो ऑप्शन भरे गोले फिलो बबल्स फिल किए, तो हो सकता है आपका स्कोर जो बहुत ही लो चला जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा गया था, वो भी मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे कि इंग्लिश वाले जो ऑप्शन हमारे जो फिल नहीं कर पाए, हमारा छूट गया है, तो हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 30-30 क्वेश्चन है वो आपके चेक ही नहीं हो पाएंगे, तो आपका स्कोरिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों का आया था कि मान लो कि हमारा बुक सीरीज भरना फिलअप करना छूट गया है, हमें भूल गए,
तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी कॉपी है वो किसी एक सीरीज के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर होता है OMR सीट का ऑप्टिकल लेंस, तो वो इसको पढ़ने के बाद में आंसर चेक करता है, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन चेक नहीं होगा, तो रिजल्ट आने की चांसेस नहीं है। और दूसरी बात है कि जैसे कि 1 to 15 तक जो आपके बबल्स हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 फिलअप कर दिए आपने, तो क्या हमारा रिजल्ट रुक जाएगा? तो रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर आपने फिल कर दिए हैं, तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, तो बाकी सारे क्वेश्चन चेक होंगे, कोई दिक्कत से आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाम की नाम नेम ऑफ कैंडिडेट में आपने अगर कुछ भर दिया है तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने RAM भरा, उसके बाद में आपने ये काट दिया, तो काट दिया, रन कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई मिस्टेक कटिंग हो गई है, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट आएगा, शो करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने फादर्स नेम है वो आपका जो गलती से फिलअप हो गया है, तो इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि आपने अगर गलत कटिंग करके सही कर दिया है तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। एंड मदर्स नेम में भी वही वाली बात रहेगी कि जैसे आपने कि यहाँ पर आपने मदर्स नेम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, आपने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आपने कटिंग करके सही लिख दिया है तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब बात करते हैं नेम ऑफ सेंटर की। अब नेम ऑफ सेंटर में आपने भर दिया है, अगर आपका कुछ छूट गया या शॉर्ट में भर दिया है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा, आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाली। कैटेगरी में अगर आपको छूट गया है कोई ऑप्शन आपका, और कैटेगरी में छूट गया है, तो भी आपका आने रिजल्ट आने के चांस रहेंगे, या आपने कटिंग करके दोबारा से जनरल लिख दिया तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इनविजिलेटर साइन वाले। तो यहाँ पर अगर ये साइन छूट गए किसी के या नहीं हो पाए, अगर आपके मेन जो बुकलेट है, जो मेन जो आपका रजिस्टर है, उसमें साइन हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट शो करेगा। अगर आपके विद्यार्थी वाले जो कॉलम में अगर सिग्नेचर में आपने अगर कोई सजेशन किए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट आएगा, और छूट गया तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि जैसे सर हमने 150 लिख दिया है कि हमारा रिजल्ट आएगा, कि यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया कि 150 में से 150 लिखना था, तो 150 लिख दिया, तो 150 लिख दिया रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 150 भी लिख सकते थे, 115 भी लिख सकते थे, तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सबने लोगों ने 150 भर दिया है, लेकिन आपने जो बबल्स फिल कर पाए थे वो मान लीजिए कि 145 कर पाए थे, और बाकी 5 जो गोले हैं वो छूट गए थे आपके, वो भर नहीं पाए थे, तो इसका मतलब कि आपका रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन छूट भी गया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं है। सो गाइज आई होप मैंने मेरे द्वारा दिए गए सभी क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो से आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी व्यक्ति जिसकी मिस्टेक है वो उसको कोई रिलैक्स हो जाए, टेंशन ना ले व्यक्ति वो, तो और फिर भी कोई अगर आपकी क्वारी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर अब इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को मैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको हेल्प मिली है नहीं मिली है, और लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताएं, और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।